बहुत जल्दी कच्चा दूध ना शरीर को ठीक रखता, पेट को ना स्वस्थ रखता है। कितना भी दिन का कचरा पेट में हो, अपच हो, दूध पी लेना, 2 घंटे में पचा के बाहर कर देगा। पेट को ठीक करता, क्यों जी? सही है, इसलिए दूध पीना। अब मैं तो प्रैक्टिकल करता हूं, फिर आपको बताता हूं। मैं तो दूध पी रहा हूं तो अच्छा है, अब आप पियो या मत पियो। हम तो निवेदन करेंगे कि हमारे भगवान गाय की सेवा करते थे, घर में गाय रखने से पहला तो दूध मिलेगा, दूसरा शुद्ध मक्खन मिलेगा, तीसरा शुद्ध दही मिलेगा, चौथा शुद्ध घी मिलेगा। बाजार का घी आप 10,000, 2,000, 5,000 रुपए किलो का भी खरीदें तो गारंटी नहीं है कि ये शुद्ध है। शुद्ध वही है जो आपकी आंखों के सामने मक्खन आपने पकाया, दही मथ करके मक्खन मक्खन पकाया, वो शुद्ध। सही है, वो शुद्ध घी है। वो घी पियोगे ना तो ये घुटनों का जो दर्द है ना, वो ग्रीसिंग करता है घी। आजकल घी पीते ही नहीं हो आप, बस रिफाइंड का तेल खा खा के मर रहे हो। तेल कितना हानिकारक है। पहले का तेल भी अच्छा था, कच्ची घानी का तेल। सरसों ले जाता था आदमी, सरसों सामने पिरवाता था, कोई उसमें केमिकल नहीं डलता था। क्यों भैया? सही है, ले जाता था तुरंत पिरवा करके तेल बनवा कर ले आता था और उसी को रोटी में चुपड़ के खाते थे। सरसों का तेल रोटी में चुपड़ के खाने से अच्छा रहता है। हमने खूब खाई, नमक डाल करके हल्का सा सरसों का तेल चुपड़ करके खाई। आपने रोटी ऐसी नहीं, आप खाना पीने मतलब नहीं जानते। शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध मूंगफली का तेल, शुद्ध अलसी का तेल, शुद्ध तिल का तेल। अरे शुद्ध तो यही होगा जो आपकी आंखों के सामने, क्यों भैया? जो आपकी आंखों के सामने नहीं है वो शुद्ध नहीं है, लिख लो। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि जो चीजें आप खा रहे हैं वो जहर है? तेल, रिफाइंड का तेल, केमिकल, डबल रिफाइंड, डबल केमिकल, केमिकल के द्वारा शुद्ध होता है वो तेल। अरे शुद्ध तेल को शुद्ध क्या करना, वो जैसा पिरा वैसी खाओ। ज्यादा तुम्हारे शुद्धि के चक्कर में मिलावट मिलावट होती है, अब मिलावटी खाओ तो मरो। क्यों इतनी ज्यादा बीमारियां हो रही हैं? पहले के लोग क्यों नहीं बीमार पड़ते थे? आप लोग क्यों नहीं खाते शुद्ध खान पान? क्यों बाजार की चीजों पर निर्भर हो गए? हम तो कहते हैं एक गैया घर में रखोगे ना तो बाजार से ना तुम्हें घी खरीदना पड़ेगा, और जब घी घर में होगा तो तेल खरीदने की जरूरत नहीं, सारा दाल भी घी से ही खा लो बघार के, बढ़िया सब्जी भी घी से छौंका लगा लो हल्का सा। और तेल खाना है ना तो शुद्ध। पुराना जमाना देखना, आज ने कल, कल ना परसों, एक दिन वो सब चीजें फिर लौट कर आएंगी पुरानी, क्योंकि इससे गुजारा नहीं है जो तुम खा रहे हो। ये तुम्हारे को मार डालेगी, तुम्हारी ज्यादा जो तरक्की, तुम विकास विकास चिल्ला रहे हो। विकास होना जरूरी है, बुद्धि का विकास जरूरी है, लेकिन विनाश जरूरी नहीं है। आजकल लौकी, लौकी में इंजेक्शन लगा देता है तो रात भर में इतनी लंबी लौकी हो जाती है। अब वो लौकी कोई खाएगा तो मरेगा नहीं, इसलिए शुद्ध खाओ घर पर ही। पहले के हम अपने घर में, पहले घर घर में बाड़ी होती थी। बाड़ी कौन कौन जानता है? बाड़ी नहीं जानते? पहले घरों में बाड़ी होती थी तो बाड़ी में लौकी लगा दी जाती थी, मां लगा देती थी लौकी, करेला, चिचिंडा इत्यादि जो सब्जियां हैं, और सब चीजों की पूरी बरसात 1 रुपए की सब्जी हमारे यहां बाजार से नहीं आती थी, सब होती थी लौकी, खूब लौकी, कद्दू, इतना बड़ा बड़ा कद्दू घर के ऊपर, खप्पर वाला घर हो जाता, खप्पर को इतने बड़े बड़े कद्दू रखा है, उसकी खीर नेचुरल, बड़ी वाला पेठा वाला कद्दू भी, उसे भूरा कुम्हड़ा कहते हैं, कद्दू को कुम्हड़ा कहते हैं।
है ना, समझते हैं ना आप लोग। पहले सब चीजें आदमी घर पे ही कर लेता था, आजकल इतने आलस्य है वो घर भी नहीं रह गए अब उस तरह से। जितना आप आधुनिकता में जाएंगे तो आधुनिकता तो मिलेगी, मिलना भी चाहिए, लेकिन जो आपका स्वास्थ्य है, जो आपकी शांति है, वो छूटती चली जाएगी। इसलिए आधुनिक बनो लेकिन वो प्राचीनता ना छूटे, वो परंपराएं ना छूटे, आपका खान पान शुद्ध हो। तो आज से कितने लोग अपने खान पान को ठीक करेंगे, और घर पर जरा सी जगह है तो घर पर ही गाय के गोबर से खाद बनाकर बढ़िया वहां पर लौकी तैयार करो। अपने घर पर ही छोटा सा खेत है तो वहां जो तुम खा सको दो चार पेड़ टमाटर के लगा लो। ये टमाटर की समस्या है, 200 रुपए किलो वहां दिखाई रहा है टमाटर,